तो गाइस दिल्ली में ऐसा लग रहा है कोई लॉकडाउन नहीं है। देख रहे हो आप कितनी भीड़ हो रही है, सारे ऑफिसर्स खुल गए, दुकान लगभग खुल रही है, बस बड़े बड़े मॉल्स में थोड़ी बहुत दुकानें बंद है, दैट्स इट। बाकी कहीं कोई बंद कुछ भी नहीं है। लोग जहां मर्जी पूरे दिल्ली में आ रहे हैं जा रहे हैं, और अगर आप देख लो इतनी सारी भीड़ है। सो एनीवे, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं धीरज चौधरी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। और आज जो मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा KTM सर्विस सेंटर, क्योंकि पाजी की बाइक और उसकी पहली सर्विस कैसे मिस कर सकते थे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चलो दिखाते हैं KTM का नया अवतार। साथ में आज 1000 किलोमीटर पूरा होने पे फर्स्ट सर्विस, कितना खर्च आ रहा है, क्या आ रहा है, सब दिखाएंगे, बातें करेंगे। है दुल्हन बूम एज यूजुअल बूम बूम अल्टीमेट अल्टीमेट काम कर गया सर जी। चलो अब तो भाई आज इसकी दिखाऊंगा, क्या क्या इसमें माथा पच्ची करना पड़ा है सारा दिखाऊंगा। चलो पहले फिलहाल तो चलते हैं सर्विस सेंटर, और भीड़ की तो ऐसी की तैसी है, क्लासिक। तो बाइक वाकई पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है। पहले क्या था, ऑरेंज कलर था, तो मेरे को यार अजीब सा लग रहा था, मैं पहले ही बोल चुका था यार वो, मतलब समझ में ही नहीं आता है। बाकी ये कलर तो भाई कहरदार, ये बिल्कुल कतई जहर। मेरी जान यार, और देख लो ये 1000 किलोमीटर पूरा करने के लिए पता नहीं कितना दिन लग गया, 3 महीने पहले बाइक ली थी और अब जाके 1000 किलोमीटर पूरा हुआ है। तो हम ऐसे लेजी राइडर नहीं है भाई, लॉकडाउन था पहले, चल चुकी थी मेरे ख्याल से 200 या 300 किलोमीटर बचा होगा, तो वो अभी लॉकडाउन जब से खुली है तब से 200-300 किलोमीटर पूरा करके आज यार, क्योंकि यार पता है पहली सर्विस में जो चुल मचती है ना कि भाई पहली सर्विस करानी और क्या परफॉर्मेंस खुलेगा। इसमें तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पहले सर्विस से पहले आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन नहीं कर सकते, ऑफ नहीं कर सकते, जो कंपनी ने सेट करके दिया है वही रहेगी, इसमें आप कोई मैनुअल चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखेंगे कि पहली सर्विस के बाद क्या क्या चेंजेस आता है इसमें और क्या खर्चा आ रहा है इसमें। तो ये लोकेशन भी सेम ही है जैसा था वहाँ पे नोएडा वाले में, वो रही सामने देख रहे हो पहले कैसे पहुँचने का वीडियो। ये होता है स्क्रिप्टेड चीज की, जाने से पहले कैमरा चालू करो, कुछ दो बातें करो, फिर पहुँचो वहाँ जा करके, ये सही बात नहीं है मालिक। आ जाओ पीछे पीछे मेरे, चलो सर जी मैं लेके चल रहा हूँ, आ जाओ। जस्ट जोकिंग। भाई ऐसे मुंह छुपा के आना पड़ रहा है इस टाइम पे, देख रहे हो इतनी, मतलब कोरोना का डर है, खौफ है लोगों के अंदर के मुंह भी सारा ढक के चलना पड़ रहा है। और ये बाइक चढ़ चुकी है सर्विस पे, अभी जो इनिशियल चेकअप था हो गया यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फर्स्ट सर्विस में क्या होता है, बेसिक सर्विस होगा, बस चेकअप होगा, बाकी ऑयल चेंज होता है और कुछ तो होगा नहीं। थोड़ा बहुत इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है जो बाय द कंपनी लगाया गया, जैसे मैंने कहा था आपसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ गाड़ी को फ्री अप कर देंगे पहली सर्विस के बाद, सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही चुका था, वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। और मेजर चेंजेस क्या है इसमें, ऑयल चेंज होगा और क्या क्या होगा, फिल्टर वगैरह टाइट होगा, बेसिक जो चीज़ें होती है वो पहली सर्विस में। इसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस में क्या इन्हेंस, क्या इम्प्रूव होता है परफॉर्मेंस, वो चीज़ आपको दिखाऊँगा। और एक जो इसका अभी तक जो मुझे इस चीज़ में इसमें लगा है, KTM में लगा है, थोड़ी सी पिकअप कम थी, अब शायद पहले सर्विस के बाद मे बी कि थोड़ा सा उठ जाए। और झूठ बोल रहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा है भाई, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, इनको देख लो
अब ले लिया तो पछताना है, अब क्या करेंगे? जब हम दोनों घर से चले थे तो इन्हें ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ है। ऐसी बात नहीं, वो तो इनको दिख रहा था सारा। भाई हम नो स्पीड लिमिट में चलाते हैं क्योंकि यार आस पड़ोस का भी ध्यान रखना, बेसिकली स्पीड ही उतनी है। तो भाई KTM के शोरूम में यार पकड़ के मारेंगे सब, प्लास्टिक कहूँगा तो। ये भी इन्होंने भी दल बदल लिया, अभी इन्होंने भी कह दिया कि भाई हम ही है जो है सारे मिलके पकड़ के मारेंगे मुझे पीछे गोडाउन में बंद करके, इसलिए बुराई नहीं करूँगा इसकी। बाकी यार बाइक बहुत अच्छी है, ऑन रोड ऑफ रोड सारी, और नो डाउट यहाँ आने के बाद इनका जो बिहेवियर है, मतलब सर्विस सेल्स तो आपको दिखाए थे कितना बढ़िया, बाकी सर्विस भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आफ्टर सेल्स जो सर्विस होता है वो बहुत मैटर करता है। तो यार थम्स अप, देख रहे हो कैसे खुश हो रहे हैं, अवतार चेंज कर दिया, देख लो ये अवतार है, देख रहे हो कैसी ली थी, कैसे बना दिया इसकी। ये एक फिल्टर और ये ऑयल यही है ना, बस दो चीज, और भी कुछ डल रहा है इसमें? फिलहाल सर्विस हो गई, इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं जितना हमने सोचा था, मुश्किल से एक घंटा लगा होगा। पहले वॉशिंग हो गई थी, बाद में ऑयल जो चेंज करना था सारा करा दिया। और ये रहा बिल, तो दिखाऊंगा आपको, डिटेल बिल अभी दिया नहीं, इनका सर्वर डाउन है, तो कह रहे हैं कि मेल पे भेज देंगे, तो कितना क्या खर्च आया डिटेल्स बताएंगे आपको। फिलहाल चलते हैं यहाँ से जल्दी घर का। सर्विस हो गई, परफॉर्मेंस खुल गया, अब देखते हैं क्या फीडबैक है। अब लग रहा है कि हमारा भारत है, ऐसे लोग कहते हैं नमस्ते, मतलब कि भाई नो हैंड शेकिंग, ओनली नमस्ते, एंड दैट इज कॉल्ड आवर इंडिया, वेरी गुड। बाइक यार जच रही है, चलो सर कंटिन्यू टू। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं कि फर्स्ट सर्विस के बाद क्या परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल अब हम ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने ड्राइव किया था, एक टेस्ट राइड लिया था इसके बाद, जिसमें मैंने फर्स्ट गियर चैलेंज भी किया है, अगली वीडियो में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट सर्विस के बाद कितना इम्प्रूव हुआ है। काफ़ी मज़ा आया चला करके उसके बाद। यस, थम्स अप टू KTM, एंड नो डाउट सर्विस बहुत ही अच्छी थी। दूसरा, सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो 1969 टोटल प्राइस जो हमें पे करना हुआ था, उसका डिटेल्ड बिल आया नहीं था। मैंने सोचा कि वेट कर लूँ, बिल आ जाए उसके बाद मैं आपको उसके साथ वीडियो दिखाऊँ, बट डिटेल्ड बिल आया नहीं था। मैंने जो वहाँ पे किया था उस रिसीट का एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो वो आप देख सकते हैं, डिटेल उसमें नहीं है। बाकी मैं बता दूं कि मोटा मोटा क्या चेंज हुआ था उसमें। उसमें चेंज हुआ था इंजन ऑयल, फिल्टर, नॉर्मल चैन ल्यूब था और नॉर्मल चेकअप था, यही था, बाकी कुछ था नहीं, वॉशिंग जो पहली सर्विस में होता है। बट आफ्टर ऑल नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हुआ है, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो को शेयर कर दो यार, सपोर्ट चाहिए होता है आप लोगों का। तो मज़ा आया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू से जय हिंद।